प्रयागराज में भी 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग दिवस मनाया गया। वही योग दिवस के अनूठे मौके पर प्रयागराज में यमुना के जल में युवा तैराकों ने अनूठे अंदाज में योगाभ्यास किया। इन युवा तैराकों ने जल क्रीड़ा के माध्यम से योग की क्रियाएं संपन्न की। जल क्रीड़ा के माध्यम से 1 दर्जन से अधिक युवा तैराकों ने प्रयागराज के यमुना नदी पर इस अभ्यास को किया। योगाभ्यास करने के बाद इन लोगों ने अपील भी की कि से बचने के लिए सभी को नियमित रूप से योगाभ्यास को अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। योगाभ्यास के जरिए ही शरीर में इम्यूनिटी का विकास होगा और से आप सुरक्षित ही रह सकेंगे। आज हम लोग योगा दिवस के शुभ अवसर पर हमने यमुना नदी में योगा किया था। हमारी आप लोगों से यही विनती है कि आप भी योगा का प्रयास करें और इस कोरोना महामारी से बचें। दूसरी तरफ सरकार द्वारा दिए गए कोरोना गाइडलाइन को ध्यान रखते हुए प्रयागराज शहर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए योग दिवस मनाया गया। इस अवसर पर शहर दक्षिणी विधायक एवं कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सुबह सुबह योगा किया। जहां एक ओर उन्होंने योग दिवस मनाया, वहीं दूसरी ओर लोगों को स्वस्थ रहने की हिदायत दी। उनका मानना है कि कोरोना महामारी के समय योग करना न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है, बल्कि इससे जो एक आंतरिक ऊर्जा का संचरण होता है, मानसिक रूप से भी लोग कोरोना जैसी महामारी से विजय प्राप्त कर सकते हैं। रफ्तार धीमी हुई है, हम सब सतर्कता रखें। जो कोविड की गाइडलाइन है केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, उसका अनुपालन करें और इसी तरह से योग करके अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं और जो भी घरेलू नुस्खे हैं, घरेलू उपाय हैं, उन सब चीजों का हमें विशेष रूप से ध्यान। शहर के विभिन्न स्थानों पर लोगों ने अपने घरों एवं सार्वजनिक पार्कों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए योग पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। हम फिर मिलेंगे आपको अपनी दूसरी ऐसी ही खास खबर में। तब तक के लिए देखते रहिए सबसे तेज न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे वीडियो पर अपने कमेंट्स नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसे लोगों तक पहुँचाने के लिए अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल की हर खबर को देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।